क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्या की बेन है लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट फर्स्ट डेरेट इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी देन प्रूव दैट एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी ये प्रूफ करना है हमें प्रूफ क्या करना है फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है ठीक है पहले तो इंक्रीजिंग फंक्शन यदि प्रूफ करना है तो इसका क्या मीनिंग होता है कि फंक्शन जिस वेरिएबल पे डिपेंड है जैसे यहाँ एक्स पे डिपेंड है तो एक्स की वैल्यू यदि इंक्रीज़ करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ होनी चाहिए और एक्स की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए समझ में आया इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे प्रूफ करते हैं या डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे प्रूफ करते हैं जिस वेरिएबल पे फंक्शन हमारा डिपेंड करेगा उस इस उस वेरिएबल की वैल्यू को यदि इंक्रीज़ करेंगे जैसे X की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है X की वैल्यू इंक्रीज़ करने पे फंक्शन एफ़ की वैल्यू इंक्रीज़ होनी चाहिए और डिक्रीज करने पे डिक्रीज़ होनी चाहिए ये समझ में आया इसी से प्रूफ होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन देखिए लास्ट में देखिए यहाँ पे x2 टू ग्रेटर देन एक्स वन ठीक है x की वैल्यू को x1 से x2 की तरफ हम लेके जा रहे हैं और वो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है ना तो फंक्शन की वैल्यू x2 पे क्या है एफ ऑफ एक्स टू और x1 वन पे एफ ऑफ एक्स वन तो फंक्शन की वैल्यू भी x2 की तरफ जाने पे इंक्रीज़ होनी चाहिए यही प्रूव करना है हमें देखिए लास्ट में यही है एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल ए भी समझ में आ गया एक्स वन से एक्स टू की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है तो फंक्शन की वैल्यू भी इनक्रीज हुई है इसी से प्रूव होता है समझ में ठीक तो अब पहली लाइन, दूसरी लाइन का मतलब समझ में तो पहली लाइन का मतलब समझिए एफ बी ए फंक्शन डिफाइन एंड क्लोज इंटरवल सर्च दैट फर्स्ट डेट इज ग्रेटर जीरो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी इसका क्या मतलब है इसको देखिए क्या की वन है फर्स्ट ग्रेटर देन जीरो ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इसका ये मीनिंग है फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है क्या मीनिंग है इसका फंक्शन हमारा डिफ्रेंशियल डिफरेंशिएबल फंक्शन है आज क्लोज इंटरवल ए बी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की टोटल प्रॉपर्टीज हमने प्रीवियस चैप्टर फाइव में कंटिन्यूटी डिफ्रेंशियबल चैप्टर में पढ़ चुके हैं वहाँ वहीं से कॉन्सेप्ट वहाँ का ही कॉन्सेप्ट ये, ये यूज किया गया है ठीक है ये समझ में आ गया होगा ठीक है और यह भी हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज अ कंटीन्यूस फंक्शन एवरी डिफ्रेंशियबल फंक्शन इज अ कंटीन्यूस फंक्शन ठीक है वो कंटिन्यूस होगा तो ही डिफ्रेंशल फंक्शन होगा रिवर्स नहीं होता है रिवर्स ट्रू होना पॉसिबल नहीं है तो मैं हो भी सकता है नहीं भी जैसे कि कोई कंटिन्यूस फंक्शन है वो डिफेंसीबल हो भी सकता है और नहीं भी लेकिन कोई डिफेंसीबल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूस फंक्शन होना कंपलसरी है कंटिन्यूस होगा तो ही जाके वो डिफेंसीबल होगा ये थ्योरम में हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में ठीक है तो एवरी डिफेंसीबल फंक्शन इज ए कंटीन्यूस फंक्शन ये समझ में आ गया ठीक है तो ये इस क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूस होगा देर फॉर फंक्शन एफ इज ए कंटीन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी यहाँ तो समझ में आ गया आगे, आगे देखिए कि दो फंक्शन सॉरी कोई भी फंक्शन ये कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में ठीक है और डिफरेंसीबल है डिफरेंशियबल है तो वहाँ पे हम लॉग रेंज मीन वैल्यू थ्योरम यूज कर सकते हैं वहाँ पे हम लोग लॉग रेंज मीन वैल्यू थ्योरम यूज कर सकते हैं ये भी हम लोग ने पढ़ा है लॉग रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और रोले थ्योरम ये दो थ्योरम पढ़ा है ना हमने लॉग रेंज मीन थ्योरम यदि फंक्शन हमें कंटिन्यूस है किसी इंटरवल के लिए और डिफेंसीबल है तो वहाँ पे हम लॉन्ग रेंज विल फॉरम यूज कर सकते हैं ठीक है चलिए देखिए तो ये यहाँ पे यूज हो रहा है तो x1 x2 टू बिलोंग्स टू हमने दो पॉइंट ले लिया x1 x2 जो क्लोज क्लोज इंटरवल को बिलोंग्स करेगा इसके अंदर दो पॉइंट x1 x2 ले लिया और ये भी मान लिया कि x2 टू ग्रेटर देन एक्स वन यही हमें शो करना इसी के बेस में हमें शो करना है और ये माना है एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन ठीक है तो यूजिंग लॉगरेन्ज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है ये देन देर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट तो एक पॉइंट सी क्लोज इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा जिस पर ठीक है डेरेटिव ऑफ फंक्शन है एफ़ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है ये कहाँ से लिखा गया हमने लॉग रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से इसको थोड़ा सा लॉन्ग रेंज वैल्यू थोरम और ओले थ्योरम रिवाइज कर लीजिएगा यहाँ से आपको सोच समझ आएगा वही सब यूज़ हो रहा है यहाँ पे ठीक अब देखिए तो एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कीजिए तो फर्स्ट डेरेटिव एट सी इन टू एक्स टू माइनस एक्स वन हो गया अच्छा अब क्या क्या गिवेन है गिवेन दैट फर्स्ट डिग्री इक्वल टू जीरो यहाँ से और क्या गिवेन है एक्स टू यह हमने कंसिडर किया है एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन ठीक है given that, ठीक ये गिवन है और यह हमने कंसिडर किया है एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हैं ठीक है तो एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे तो क्या मिलेगा ग्रेटर देन जीरो इसी को यदि हम ऐसा लिखें एक्स टू माइनस एक्स वन क्या हो जाएगा फिर ये भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो ये दोनों वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है प्रोडक्ट करेंगे तो भी जीरो ग्रेटर देन जीरो आएगा ठीक है तो एफ ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन इज ग्रेटर देन ज़ीरो दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स टू इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स वन ठीक ये कब मिला जब हमने x2 टू ग्रेटर देन एक्स लिया था तो हमें फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ़ एक्स टू फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट एक्स टू इज ग्रेटर देन फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स वन मिल गया यही प्रूव करना था हमें दस तेर फोर एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए वीड्स प्रूव ठीक इस समझ लीजिए नोट कर लीजिए कोई डाउट हो तो पूछिए ठीक है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक्स